हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों, एक सवाल है कि हार्ट की बीमारी में, अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो आपको सांस क्यों फूलता है? हार्ट का फेफड़ों से क्या लेना देना? हार्ट की बीमारी में सांस क्यों फूलता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, आपका हार्ट आपके सारी बॉडी के हर जगह से रिलेटेड है, अटैच्ड है, और फेफड़ों का, आपके लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फेफड़ों से ही खून में ऑक्सीजन भर के हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हार्ट के राइट साइड में जो खून है वो डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन यूज करने के बाद जो खून आता है वो सीधा फिर फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से खून डाल के लेफ्ट साइड में भर दिया जाता है हार्ट के अंदर। दो पैरेलल सर्कुलेशन है। इसीलिए क्या होता है, जब आपका हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट की बीमारी होती है, यानी हार्ट प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर पा रहा। पंपिंग मतलब फॉरवर्ड पंपिंग। हार्ट का काम है लेफ्ट साइड का पूरी बॉडी को फॉरवर्ड पंपिंग करना, ब्लड प्रेशर बनाना। तो जब ये नहीं कर पा रहा, जब फॉरवर्ड पंपिंग नहीं हो पा रही, तो वो जहां से ब्लड आ रहा है हार्ट में, वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सामने नहीं जा रहा तो पीछे खून रुकेगा। हार्ट में खून रुकेगा तो हार्ट का साइज बड़ा होगा, और पीछे लंग्स में खून रुकेगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर पड़ता है तो वहां पे सांस फूलता है, क्योंकि वो आर्टरीज में प्रेशर भरता है तो लंग्स में पानी भर जाता है। कहते हैं लंग्स में सूजन हो जाती है, दैट्स द थिंग, पानी भरता है वहां, पल्मोनरी एडिमा। तो ये उस चीज की वजह से सांस फूलने लगती है, और ऐसा होता है हर एक हार्ट पेशेंट के साथ, हर एक हार्ट फेलियर के पेशेंट के साथ। तो इसीलिए उन पेशेंट्स को फिर पानी कम दिया जाता है, डायूरेटिक दिया जाता है इलाज के लिए। तो इस तरह भरता है लंग्स में पानी बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। सेम थिंग, कई लोगों को लंग्स के प्रॉब्लम की वजह से अब राइट साइड के हार्ट में इश्यू आएगा, क्योंकि लंग्स में प्रेशर ज्यादा है तो लेफ्ट साइड की वजह से राइट में लंग्स में प्रेशर है, लंग्स के प्रेशर की वजह से हार्ट के राइट साइड में प्रेशर ट्रांसमिट होता है, और हार्ट के राइट साइड में वैल्व लीकेज होनी शुरू होती है, वहां का प्रेशर, वहां का साइज बड़ा होना शुरू होता है। तो ये एक तरीके की बीमारी है। लंग्स हार्ट को खराब करती है, हार्ट लंग्स को खराब करते हैं, ये दोनों को रिलेटेड है। इसीलिए लंग्स की बीमारी, किसी को अगर सीओपीडी है, क्रोनिक लंग प्रॉब्लम है, तो उसको भी कोर पल्मोनेल हो सकता है, राइट? लंग्स की वजह से हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो ये दोनों बहुत कोरिलेटेड है। कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है आपका, कोशिश करेगा जीप जान के, लेकिन आपको उसको अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी देखभाल देनी होगी, अच्छे एक्सरसाइज करनी होगी, और ब्रीदिंग ब्रीदिंग हमेशा ब्रीदिंग करते रहनी है, अच्छी हवा में, बुरी हवा नहीं, स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको च्यूइंग नहीं करनी है। तो बहुत सारी हेल्थी चीजें से उसका ध्यान देना है, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, ये सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। अगर आपका सांस फूलता है तो जाके चेकअप कराइए कि क्यों फूलता है। ऑलराइट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।